स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सेकेंड राउंड का शेड्यूल आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि हमने अपग्रेड किया है अब हम क्या करें अब हमें सेकेंड राउंड की चॉइस फ़िलिंग कब करनी है या हमारी चॉइस फिलिंग कब होगी तो मैं आप लोगों को बता दूँ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड वन में एडमिशन नहीं लिया उन्हें कॉलेज नहीं मिला वो वो डायरेक्टली अब सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेड किया है उन स्टूडेंट को भी डायरेक्टली सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलेगा आपको सेकेंड राउंड के साथ ही चॉइस फिलिंग करना होगा सेकेंड राउंड आप देख रहे हैं सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है दस तारीख से दस सेप्टेम्बर से स्टार्ट होने वाली है जो कि दो दिन चलेगी आपको दो दिन का समय दिया जाएगा आप ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड वन में रजिस्ट्रेशन किया है सिर्फ वही स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस बार एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो है वो रहेगा सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में तो आप अपनी कैटेगरी एडिट कर सकते हैं या भी कोई भी मिस्टेक अगर राउंड वन की काउंसलिंग में हुई थी आपसे तो आप फर्स्ट सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में एडिट कर सकते हैं दो दिन का समय आपके पास रहेगा जब आप सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे उसके बाद वैकेंसी आप लोगों को पता चल जाएगी बारह तारीख़ को बारह तारीख को आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी सीट गवर्नमेंट कॉलेज में बची है एम में बी में कितनी सीट जो है वो प्राइवेट कॉलेज में बची है सारी जो भी वैकेंसी है आपको बारह तारीख को पता चल जाएगी एम बी गवर्नमेंट प्राइवेट की सीट फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी फिर से क्योंकि आपने इस बार कैटेगरी चेंज किया रजिस्ट्रेशन एडिट करने का ऑप्शन रहा तो दोबारा से आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज होगी जितने स्टूडेंट सेकंड राउंड के एलिजिबल थे उनकी मेरिट लिस्ट 12 तारीख को एलिजिबल हो जाएगी आपके पास 5 दिन का समय रहेगा चॉइस फिलिंग के लिए चॉइस फिलिंग के लिए 13 तारीख से 17 तारीख तक का आपको समय दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड uh, वन में कॉलेज नहीं मिला वो चॉइस फिलिंग करवा पाएंगे ऐसे स्टूडेंट जो अपग्रेड कर रहे हैं वो चॉइस फिलिंग करवा पाएंगे तो आप लोगों को चॉइस फिलिंग का समय मिलेगा पाँच दिन का आप अपनी चॉइस फिलिंग फ्रेश कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं जो आपने राउंड वन में की थी उसको एडिट कर सकते हैं अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेडेशन किया है तो वो बोलेंगे अपग्रेडेशन में जो कॉलेज मुझे अभी अलॉट हुआ है क्या उसे चॉइस फिलिंग में रखना है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो ऑटोमेटिक आपकी लास्ट चॉइस फीलिंग होती है आप नहीं भी उसका नाम मेंशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपका वो कॉलेज लास्ट आपका जो चॉइस फीलिंग का ऑर्डर होता है उसमें लास्ट में ऑटोमेटिक ही आ जाता है उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर रिलीज हो जाएगा बीस तारीख को सेकेंड राउंड का रिजल्ट का फाइनल अलॉटमेंट लेटर बीस तारीख को आ जाएगा इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड राउंड का फाइनल कट ऑफ क्या रहा और आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला आपको उसके बाद समय दिया जाएगा पाँच दिन का इस पाँच दिन के समय मतलब बाईस सेप्टेम्बर से लेकर छब्बीस सेप्टेम्बर के बीच आपको अपने कॉलेज में जाना है चाहे वो आपको पहली बार अलॉटेड हुआ हो या फिर अपग्रेड हुआ हो आपको उस कॉलेज में जा के अगर अपग्रेड हुआ है तो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस आपकी पहले हो चुकी है आपको रिमेनिंग प्रोसेस कंप्लीट करवाना है और अगर आपको पहली बार ही कॉलेज अलॉट हुआ है सेकेंड राउंड में तो आपको पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस से लेके फाइनल प्रोसेस करवाना है अभी भी अगर कुछ स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो वो मॉपअप के लिए जा सकते हैं और मॉपअप के लिए जाने के लिए ऐसे स्टूडेंट को जो अमाउंट लगेगा वो अमाउंट आप सॉरी uh, मॉपअप के लिए आप जा सकते हैं तो विलिंगनेस पर विलिंगनेस टू अपग्रेड पर क्लिक करके आप मॉपअप पर जा सकते हैं और आप जो है अपना एडमिशन भी कैंसिल करवाना चाहते हैं तो अगर आपको कॉलेज मिला है बाईस से लेकर छब्बीस तारीख के बीच एडमिशन कैंसिल करवा सकते हैं आप सबसे पहले कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं बता दूँ कि सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग अगर आप करेंगे तो ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे जिन्हें कॉलेज में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो अभी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी तो आप अगर प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो आपको एक लाख रुपए देना होगा और अगर आप गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग करने जाएंगे तो टेन थाउजेंड देना पड़ेगा फॉर अनरिजर्व कैटेगरी और अगर रिजर्व कैटेगरी है तो फाइव थाउजेंड एस टी एस टी ओ बी सी ठीक है तो ये उन स्टूडेंट के लिए था जिन्हें राउंड वन में सीट अलॉट नहीं हुई थी अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपग्रेड किया है मतलब कि राउंड वन में एडमिशन ले लिया है जिन्होंने डायरेक्ट लीव किया है उन्हें भी यही अमाउंट देना पड़ेगा बट जिन्होंने एडमिशन ले लिया है अगर वो दोबारा से प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने जाते हैं तो उन्हें सेवेंटी फाइव थाउजेंड अमाउंट पे करना पड़ेगा और जिन्हें ऑलरेडी एडमिशन मिल गया है और वो गवर्नमेंट की चॉइस फिलिंग करने जाते हैं उन्हें कोई भी अमाउंट नहीं देना होगा तो ये था आपका सेकेंड राउंड का सिक्योरिटी अमाउंट इसके बाद कोई अब कॉलेज से सेटिसफाइड नहीं रहता है और मॉपअप राउंड की काउंसलिंग में जाता है तो मॉपअप राउंड में आप लोगों को दो लाख रुपए लगते हैं अगर आप फ्रेश जा रहे हैं अगर आपको ऑलरेडी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो दो लाख और अगर आपने फर्स्ट अभी सेकेंड राउंड में एक लाख भर दिए हैं और फिर मॉपअप में जाना चाहते हैं तो रिमेनिंग वन लैक आपको पे करने होंगे मॉपअप में जाने के लिए तो ये होता है मॉपअप राउंड का अमाउंट uh, ओके okay, तो बस यही इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में देनी थी बाकी मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है आप उस प्लेलिस्ट को देख करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एमपी MP के एमबीबीएस काउंसलिंग को लेकर के थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो बाय बाय टेक केयर